नमस्कार दोस्तों, सोल्जर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनडीए का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए हिस्ट्री के बारे में, कि एनडीए में हिस्ट्री किस तरह से पूछी जाती है, किस किस पोर्शन से पूछी जाती है। तो आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप में से ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि इतिहास जो है वो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है या उसको समझने में बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास जो है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप सारे बच्चे मैथ स्ट्रीम के होते हो, आपने टेंथ के बाद हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई होती है, तो आपको माइंड में एक चीज़ बन जाती है कि आपको इतिहास पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी या इतिहास जो है आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा अगर आप अपने मन से पहली बात निकाल दीजिए कि इतिहास हार्ड सब्जेक्ट है या कुछ ऐसा है, तो वह बिल्कुल नहीं है। वो हमारे इतिहास को बताता है, और अगर आप अपने इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। जैसे आपके घर में आपको कहानी सुनाता है आपके पूर्वजों ने, पूर्वज आपके दादा परदादा, कि हम ये किए थे, अंग्रेजों को देखे थे, तो आप बहुत उसको खुशी खुशी सुनते हो, इसलिए क्योंकि आप उसको मज़ा आता है। लेकिन वही चीज़ जब आप किताब में पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आती है। तो इतिहास आपको पढ़ना है और समझना है। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इतिहास को आप कितनी आसानी और कितनी सरलता से सीख सकते हैं। तो एनडीए जो है वो आप सबको पता है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो यूपीएससी जो क्वेश्चन देता है वो बहुत ही फैक्ट पर होते हैं। ये नहीं है कि फालतू क्वेश्चन यूपीएससी उठा के दे देगा। यूपीएससी क्वेश्चन बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही ये समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन होंगे जो आप पढ़े होंगे लेकिन आपको लगा होगा ये बहुत हल्के क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपको देता है। जैसे 1857 क्रांति में मंगल पांडे किस बटालियन में थे, आप पढ़े जरूर होंगे लेकिन आपको फिर वो याद नहीं आएगा। या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड में किन दो लोगों को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था, आप पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें पहली पैराग्राफ में होती है कि इनकी वजह से हुआ, लेकिन आप फिर सोचने लगते हैं कि कितने सैनिक थे या कितने लोगों ने उनको मारा, कितने लोग मरे। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन आपको नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है। आप इतिहास के तीन पार्ट हैं आपको पता ही है, आपको पता है एंशियंट, मिडवेल और मॉडर्न। आपको एंशियंट से जो आता है, सबसे ज्यादा एंशियंट से आता है सिविलाइजेशन से, सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदारो हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आप बच्चों ये चीज सोचना और इस चीज का आंसर ढूंढना, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मोहनजोदारो या हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म किस चीजों की वजह से हुई। आप सब लोग को पता होगा, लेकिन उसका एक्चुअल चीज जो है वो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा खत्म किस चीज की वजह से हुई, लेकिन आप उसको फिर भी नहीं लगा पाओगे। उसमें था कि प्राकृतिक आपदा आई थी, भूखमरी हुई थी या किसी बाहरी का आक्रमण हुआ था। वहां की सभ्यता के अनुसार वहां पर बहुत ही ईंटों का प्रयोग किया गया था, वहाँ पे पशु पाले जाते थे, अनाज उगाए जाते थे, वहाँ पे खिलौने और बर्तन ये सब चीज़ें वहाँ पे खोज ली गई थी हड़प्पा और मोहनजोदारो में। अब आपसे क्वेश्चन और भी है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो से मैं कहाँ पर है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको नहीं पता तो वो भी बता देना, इसका जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद आता है मिडवल एज। मिडवल एज में जितने भी मौर्य डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी थी, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बोरिंग है, ये बहुत पीछे पड़ रहे हैं, इनके नाम बड़े अजीब हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज़ आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगी। मैथ में आप प्रैक्टिस करते हो, मैथ में आपको समझ में आता है, प्रैक्टिस एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीन बार नहीं आएगा, लेकिन अगर लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज़ आपको समझ में आने लगती है। इसी तरह से जब आप हिस्ट्री में प्रैक्टिस करोगे, अगर आप हिस्ट्री सोच रहे हो कि नहीं मुझे हिस्ट्री आएगी नहीं, मतलब पहले से माइंडसेट बना के बैठे हो, तो वो मत करना। मिडवल एज में जो भी चीज़ें हुई थी वो आपको पढ़नी है, कि अशोका कौन था, कलिंग कौन था, उनके बीच कौन कौन सी वॉर हुई थी, वो आपको पढ़नी है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए आज समझा रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आप आज मेरी बातों को समझ जाएंगे तो अगली क्लासेस जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा हिस्ट्री की, तो फिर आप उसको पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज आप बीच में वीडियो छोड़ के भाग जाते हो, आपको लगता है कि 15 मिनट की वीडियो कौन देखे, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री, या फिर हम इंग्लिश देख लें, ऐसा कुछ देख लें। यूट्यूब जो आपको फ्री में सब कुछ बता रहा है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं उसके। ठीक, अगर आप कोचिंग ज्वाइन की हो तो अच्छी बात है, वहाँ पढ़ रहे हो,
यहां पर आपको शायद उससे ज्यादा कुछ जानने को मिल जाए या फिर उससे अलग कुछ जानने को मिल जाए। इसलिए वीडियोस अगर आप शेयर करते हो या वीडियोस पर अगर आप कमेंट करते हो तो आपको उसके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर आपके अंदर डाउट है, अगर आप कंफ्यूज हो, तभी आप मेहनत कर रहे हो। अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आप उसका गलत आंसर दे रहे हो, तो इसका मतलब आप उसके लिए डाउट हो, श्योर नहीं हो, तभी आप कंफ्यूज हो। और जिसको लगता है कि हम उसे वो क्वेश्चन पूछो, उसे कुछ पता ही नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत है, हमें पता ही नहीं सर, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा है इसका मतलब, क्योंकि दिक्कत उसे क्रिएट हो रही है जिसके पास डाउट्स हैं, जिसके पास कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन उसे क्रिएट होती है जो पढ़ने के बाद भूल जाता है। अगर जो पढ़ा ही नहीं तो भूलेगा क्या, उसको तो कुछ भूलना है ही नहीं, वो तो एकदम एकदम मस्त मौला घूम रहा है रोड पे। तो आपको वैसा नहीं बनना है। अगर आपको भारतीय सेना का अधिकारी बनना है तो आपको काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक्स मैंने पहले बताई थी, अगर आप उसको प्रेफर करते हो तो एनसीईआरटी जो है आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी। फिर आता मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में आपको बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। जैसे मॉडर्न एज में स्टार्ट होता है कि पुर्तगीज कब आए, डच कब आए, फ्रांसीसी कब आए, ब्रिटिश कब आए, ये सब चीज़ें आपको टॉपिक वाइज पढ़नी है। इनका सीक्वेंस क्या था आने का, वो सीक्वेंस आपको जानना है। वो सीक्वेंस में फिर कंपनी कैसे कैसे इस्टेब्लिश हुई वो आपको जानना है। फिर आता है 1857 का रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अभी इसी के दौरान। 1857 का रिवॉल्ट हुआ क्यों, आप में से बहुत बच्चे कहोगे कारतूस का प्रयोग किया गया था या एनफील्ड राइफल यूज़ की गई थी, बट ये तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर हम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्यों किया गया था, ब्रिटिश ने तो कहा था कि एक स्पॉयल म्यूनिटी है, म्यूटिनी है। तो अगर आप ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो ब्रिटिशर्स ने तो ये कहा था ना कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से चीज़ें हुई थी, बट हमें क्या लगता है कि नहीं, ब्रिटिशर्स अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे, हम इंडियन हैं, हाँ हमें इंडिया की ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू है, लेकिन ब्रिटिश को भी एक बात देखो उन्होंने क्या कहा था हमें, उन्होंने कहा था कास्ट सिस्टम है, हाँ उस समय कास्ट सिस्टम बहुत था, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था कि इंडिया में जो बुलेट यूज़ की गई थी, जो कारतूस यूज़ की गई थी, उस पर जो कोटिंग हुई थी वो तो सुअर और गाय की चर्बी थी, वो सही थी। इसलिए थी क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हर जगह चेंज होता रहता है। अगर वो ऐसा ना करते तो उसमें जो बारूद भरा जाता है वो स्पार्क की वजह से जलता ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप पढ़े हो तो आपको चीज़ें पता होगी, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं होगा उसको ध्यान से। अगर जो भी बच्चा पढ़ा है वो कमेंट में बताया कि हाँ मुझे ये पता है, मैंने ये पढ़ा है, और जो नहीं पढ़ा है वो भी ये कमेंट करें सर मैंने नहीं पढ़ा है, इसके ऊपर मैं एकदम एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा 1857 के ऊपर से। पर बच्चों आप जो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको हर एक टॉपिक कमेंट में मेंशन ज़रूर करना है कि आपको वीडियो एनडीए के लिए किस टॉपिक पर चाहिए, तब मैं उसको बता पाऊंगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि आपकी सारी बातों को सोच के बता दूं कि आपको क्या जानना है क्या नहीं जानना है। तो आप सारे टॉपिक्स मुझे अगर मेंशन करते हैं एक बार तो मैं उस चीज़ को बता पाऊंगा कि हाँ बेटा ये टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप मेंशन करते हो तो वही मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो 1857 इस चीज़ की वजह से हुआ। फिर 1857 के बाद INC आती है, AO ह्यूम आते हैं। तो AO ह्यूम ने क्यों ऐसी पार्टी बनाई, क्या कारण था, ये आपको जानना है। ये जानने के लिए भी एक सेपरेट वीडियो है। तो हर चीज़ अगर आप YouTube पे हैं, अगर आप सोल्जर डिफेंस अकेडमी के साथ जुड़े हैं, तो आपको मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में मिल रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसके लिए आपको कहीं पर जाना नहीं है। आप अपने घर पर बैठ कर उसको पढ़ सकते हो। तो आपको केवल पढ़ाई करनी है, आप पढ़ने के लिए यहां पर एनडीए क्वालिफाई करना था, पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद 1857 हो गया, INC हो गया। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट्स चले थे जो 1920 से लेकर 1950 तक चले थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी उसके, जिसमें चौरी चौरा था, साइमन कमीशन था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे, लाहौर सेशन था, डिमांड ऑफ पाकिस्तान था, ये सारी चीज़ें इसको आपको पढ़नी है। अगर आप ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, बस आपको पढ़ना किस तरह से है, जैसे आप एक कहानी पढ़ते हो, जैसे आप एक मैगजीन पढ़ते हो कहानी की, अगर उस तरह से आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगी। हाँ, आप लूसेंट से दूर रहना, हिस्ट्री ग्लूसेंट मत ले लेना, क्योंकि हिस्ट्री ग्लूसेंट में कुछ है नहीं, सब चीज़ें बकवास भरी हैं। आप NCERT प्रेफर करो, आप और कोई बुक प्रेफर करो जिसमें डिटेल में चीज़ें लिखी गई हों, क्योंकि UPSC जो है वो डिटेल्ड में चीज़ें पूछता है और बहुत ही ईजी चीज़ें डिटेल्ड में पूछता है, तो आपको वो चीज़ें प्रेफर करनी
नहीं, क्योंकि हिंदी एक पेपर में आपको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपका जब तक आईक्यू लेवल, जब तक आपका सोचने की क्षमता ज्यादा नहीं होगी, तब तक आप उस चीज को नहीं कर पाओगे। वन लाइनर तो आप तुक्का मार सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट में आप तुक्का नहीं मार सकते। स्टेटमेंट तुक्का मारोगे तो पक्का गलत होने वाला है, क्योंकि स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, समझना है। अगर आप पढ़े हो तभी स्टेटमेंट बारे में सोच सकते हो, अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप स्टेटमेंट बारे में नहीं सोच सकते। तो ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में ध्यान देनी है। हिस्ट्री में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि यार हिस्ट्री बहुत बोर हो कर रहा है, एक घंटे पढ़ने में, आधा घंटे पढ़ने में बोर हो रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप आधे घंटे ही पढ़ो। पहले उसकी हैबिट डालो, उसकी आदत डालो। ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में सारी चीजें सीख जाते हो। आप ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में साइकिल चलाना सीख गए होगे, एक दिन में बाइक चलाना सीख गए होगे। तो आपने धीरे धीरे सीखा होगा, पहले गिरे होगे, फिर उठे होगे, फिर चलाना सीखोगे, एक सीक्वेंस में आप उसकी प्रैक्टिस की होगी। इसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जो जीएस है उसमें चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस मांगती है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में जितनी भी चीज़ें हुई हैं अभी रिसेंट में, वो आपको सारी याद रखनी है। वो चाहे CAA हो, वो चाहे आर्टिकल 370 रिमूव हो, चाहे 3 तलाक हो, क्योंकि NDA जो है विद इन 1 ईयर का पूरा पूछता है, वो सारी चीज़ें पूछता है। NRC क्या है, NRC क्यों लागू की जा रही है, NRC लागू करना सही है या नहीं, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे। या फिर आपके इंटरव्यू में अगर आप SSB देने गए हो तो वहाँ पे साइक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, तभी वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आपको सारे करंट अफेयर की चीज़ें एकदम तैयार रखनी है, और अपने टॉपिक्स को आपको मेंशन करना है, वो चाहे सोल्जर डिफेंस एकेडमी का पेज हो, फेसबुक पेज हो, यूट्यूब है, उसमें आपको मेंशन करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मेंशन करते रहेंगे तो यहाँ की जितनी भी फैकल्टी है, वो चाहे जिस चीज़ की हो, वो आपको डेली आपके टॉपिक्स पे क्वेश्चन बताती रहेगी। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्वेश्चन भी मेंशन करो। सारे फैकल्टी के पास वो क्वेश्चन पहुँच जाते हैं और सारे फैकल्टी आपको उस क्वेश्चन का जवाब अगली वीडियो में ज़रूर देगी। आप अगर ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे तो हर एक सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी हों, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात करके अपने क्वेश्चन को दूर कर सकते हैं और अपने NDA की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें क्वेश्चन सेंड करिए, उसका जवाब हम देंगे। अपने टॉपिक सेंड करिए, उस पर हम वीडियो बनवाएंगे। सोल्जर डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।